बठिंडा में आज एक ही परिवार के तीन सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आए तीनों ही सदस्य बालिग हैं और ये 1 जून को गंगानगर से लौटे थे। दसूहा में बहुत ही जबरदस्त धमाके की आवाज लोगों को सुनाई दी। उल्लेखनीय है कि इस धमाके की आवाज मुकेरिया गर्दीवाला टांडा में भी लोगों को सुनाई दी, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ में मौजूद है। राज्य में कुल 200 टीमें तैनात हैं। 7-7 टीमें रायगढ़ और मुंबई में राहत कार्य के लिए काम कर रही हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना की रिकॉर्ड 9,304 केस सामने आए हैं और 260 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आज वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और दोनों देश के द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों और मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के बाद अब ब्राजील में कोरोना का कहर बरस रहा है। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 1,359 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में प्रदर्शन के दौरान भारतीय दूतावास के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी क्षति पहुंचाई गई। फाजिलका जिले में भेजे गए नमूनों में से देर रात एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कई रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अब जिले में 3 कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए। सीएम सिटी में आज कोरोना पॉजिटिव 4 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1 मामला कैथल जिले का है और सभी की बाहर से ट्रेवल हिस्ट्री है। फाजिलका में कोरोना पॉजिटिव नौजवान के संपर्क में आने से 46 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।